डिडवाना सीट के विधायक चेतन ढूडी के खिलाफ नाटी के अंदाज में एक 33 वर्षीय महिला ने ज्योतिनगर थाने में परिवार ले जाने पर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ये महिला पहले थाने में विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंची थी, बाद में वो कथित तौर पर परिवार लेकर चली गई। इसके बाद फोन करने पर महिला ने मामला दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। इससे संबंधित एक परिवार की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें डीडवाना विधायक चेतन ढूडी के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत लिखी हुई है। तो आपको बता दें, चुनावी तारीख नजदीक आते आते ही कई प्रकार के नाटकीय संदर्भ भी शुरू हो गए हैं और एक 33 वर्षीय महिला ने डीडवाना विधायक चेतन ढूडी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिए मामला दर्ज कराया और उसके बाद में परिवाद दाखिल किया और उसके बाद में मना कर दिया, इनकार कर दिया। विधायक चेतन ढूडी के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत लिखी हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार किया है। कोर्ट के इस्तगासे की सूरत में 4 पेज की यह शिकायत जयपुर और नागौर में तेजी से वायरल हो रही है। इस बारे में विधायक चेतन ढूडी ने बताया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये किसी न किसी तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश है। टिकट का वितरण चल रहा है, इसलिए इस तरह का मामला बनाया जा रहा है। ढूडी ने कहा कि मेरे पास किसी भी पुलिस थाने से कोई फोन नहीं आया है। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां एक राजनीतिक षड्यंत्र देखने को मिला है। विधायक ढूडी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। डीडवाना की सीट के लिए विधायक ढूडी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला आया, लेकिन महिला ने ज्योतिनगर थाने में परिवाद दर्ज कराया और उसके बाद में शिकायत करने से मना कर दिया। इस परिवाद की कॉपी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और ढूडी का ये कहना है कि टिकट वितरण शुरू हो गए हैं और उनको फंसाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ढूडी ने कहा कि वे इस महिला को नहीं जानते और आपको बता दें, महिला पहले ज्योतिनगर थाने पहुंची, परिवाद दर्ज कराया, उसके बाद में परिवाद वापस ले लिया और अब इस परिवाद की कॉपी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक बयान सामने नहीं आया।